सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सो भाई मैं बढ़िया हूँ। सो भाई लोग, आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी मेरे को अरुण पवार के बारे में। जो अरुण पवार हैं हमारे, एक्चुअली मैंने उनसे अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाया था गुरखा का, तो तब मैं मिला था उनसे। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल, जो महिंद्रा और अरुण पवार की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो उसके बारे में कुछ बातचीत करनी चाहिए मेरे को लगता है ऐसा। बिकॉज़ कंट्रोवर्सी कुछ अजीब सी है। अरुण पवार के पास स्कॉर्पियो एन है, जो कि वो लेके गए स्पीति, और अभी स्पीति में ही शायद घूम रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक झरने के नीचे उस गाड़ी को लेके गए, और उसके बाद जो है उसकी सनरूफ उन्होंने बंद की, और वो सनरूफ में से लीकेज होनी शुरू हो गई, जो कि नीचे सारे डैशबोर्ड और सब जगह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में सब जगह पानी वानी जाने लगा। अब उसको देखकर महिंद्रा ने कोई एक्शन लेने के बजाय, महिंद्रा का एक्शन बड़ा अजीब सा एक्शन लगा मेरे को, कि भैया आप जो है, उन्होंने उसी स्पॉट पे स्पीति में पता नहीं कहाँ से गाड़ी अरेंज करके, और वो गाड़ी वहाँ स्कॉर्पियो एन वाइट कलर की सेम भेजी, और उसी झरने के नीचे लगा कर उसको उन्होंने दिखाया कि देखो हमारी गाड़ी में कोई लीकेज नहीं है। सो भैया बड़े अजीब सा ये कुछ एपिसोड हुआ, बिकॉज आपकी गाड़ी में लीकेज है या नहीं है वो तो एक अलग सेकेंडरी पार्ट है, बट अरुण पवार ऑल्सो अ कस्टमर ऑफ महिंद्रा, उसने पैसा खर्च करके भाई साहब वो गाड़ी ली है, और कोई भी बंदा वहाँ जाकर इतनी जल्दी जो है ना, ऐसे इस तरीके से वीडियो नहीं बनाता है जिस तरीके से आप लोगों को लग रहा है। सो दोस्तों, इस तरीके से कोई भी जानबूझकर वीडियो नहीं बनाता कि जैसे कि महिंद्रा को लग रहा है। मैं भी अरुण पवार के साथ मैंने अपने गोरखा की वीडियो बनवाई थी, 4-5 घंटे 6 घंटे मैं उनके साथ रहा, बट उन्हें कोई भी ऐसा कोई स्क्रिप्टेड चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई। मैं एक साइड में बैठा हुआ था, वो अपने आप जो भी वीडियो बनाते रहे उस हिसाब से। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी जो मैंने बताई, और उन्होंने वही चीज़ें वहाँ पे बताई। उन्होंने कुछ हट के कुछ अलग से कुछ नहीं बताया कि जो जिसको जिससे ये लगे कि कोई बनावटी वीडियो है या कंपनी उनको कुछ दे रही है। मैं खुद अपनी गाड़ी लेके गया था, ना फोर्स से कोई लेना देना था। तो वो चीज़ होती है, एक जेन्युइनिटी बंदे की पता लग जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार होते हैं यूट्यूबर्स जो बनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगा उसके अंदर कि उन्होंने कुछ गलत बनाया। और दूसरा, महिंद्रा ने जो वहाँ गाड़ी भेजी उससे बेटर नहीं था कि महिंद्रा अरुण पवार को कॉल करते और उनको बोलते कि भाई नियर सर्विस सेंटर में आ जाओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो बंदा वहाँ पे -8 में दिखा रहे हैं कि वो वहाँ पे सनरूफ बंद ही नहीं हो रही है, और वो उसके अंदर वहाँ जो है वो ठंड में मर रहा है। आपने उसको चेक करने के बजाय आप उसकी गाड़ी टो कराते, कुछ भी कराते, एक्स वाई जेड आप अपनी टीम भेजते, उसके अलावा आपने वहाँ गाड़ी भेजी और उससे आप कंपटीशन कर रहे हो। यार ये तो बड़े महान लोग हैं जो महिंद्रा में आपके यहाँ बैठे हुए हैं, जो इस तरीके की सिचुएशन को इस तरीके से टैकल कर रहे हैं। मतलब वो क्या कस्टमर नहीं है? उसने क्या पैसे नहीं दिए आपको क्या? गाड़ी के वारंटी में उसकी गाड़ी, आपने कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो आप उसको चेक तो करो एटलीस्ट। किसी भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो बड़ा अजीब सा एक सिस्टम बना दिया कि भाई वहाँ पे जाके आप जाके उसको वीडियो बना के उसको काउंटर कर रहे हो। तो भाई इससे तो हम बिल्कुल डिसएग्री हैं इस चीज़ से। इवन महिंद्रा को देखना चाहिए था कि भाई वो हमारा कस्टमर है, वहाँ जाके कोई भी नियरेस्ट जो भी शिमला या रामपुर या जहाँ भी आपका महिंद्रा का सर्विस सेंटर था, और वो प्रॉब्लम आ सकती है, रबड़ की प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है उसके अंदर जो वो कह रहा है। तो बंदा कोई बेवकूफ़ ही होगा जो वहाँ पे बंदा इतनी दूर जाके अपनी गाड़ी को पानी में डालेगा, ठीक है ना? वो भी अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं उसमें, वो पानी के अंदर उसको दिखाएगा आपको कि नहीं जी देखो मेरी गाड़ी के अंदर पानी आ गया। तो भाई ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल चीज़ ही नहीं है। तो आई डोंट नो कि क्या उस पर होना चाहिए, लेकिन हमारा स्टैंड तो वही है कि भाई महिंद्रा को इस चीज़ को देखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ उसके खिलाफ वीडियो बनाने के। आप वीडियो बना के क्या साबित कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो किसी भी कस्टमर को कोई भी, मतलब महिंद्रा को ये है कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं है, कि अगर कोई भी कस्टमर कुछ भी जो है कमी बताएगा तो आप जो है उसको काउंटर करोगे, ना कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में भी आई हैं जो बहुत सारे लोगों ने बाद में बताया है। तो एटलीस्ट
ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे को याद है कि पीछे एक डेढ़ साल पहले की बात है कि गो मैकेनिक्स के साथ ऐसी कोई कंट्रोवर्सी किसी यूट्यूबर की हुई थी। कंट्रोवर्सी भी क्या हुई थी, वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो गो मैकेनिक्स गुड़गांव ने स्पेशली उसको पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनको उसी सेंटर पर दोबारा बुलाया और वहीं से उनसे दोबारा से वीडियो बनवाई। उन्होंने बताया कि हाँ मैं जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई हैं और अब मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो इन्होंने मेरी सॉल्व कर दी हैं, एक एक करके सारी आइटम्स रेक्टिफाई कर दी हैं। तो वो एक अच्छे मैनर में उस प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट हो गई वो प्रॉब्लम। लेकिन अभी जो ये जो कंट्रोवर्सी है तो कुछ अलग ही बना दी गई है। वो बंदा वहाँ ठंड में मर रहा है, मतलब ओपन, आप सोचो यार वहाँ पे अभी स्पीति में बर्फ है यार, ओपन में उसकी सनरूफ ओपन है और वो वहाँ चल रहा है, मतलब आप लोगों ने कोई हेल्प ही नहीं करी उसकी, तो आपका आरएसए वारएसए सब बेकार है, इसका मतलब कोई किसी हेल्प के लिए नहीं है वो। तो भैया ये तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर यार एक वीडियो, हमको वीडियो क्या यार, मतलब हम लोग एक तरह से मान के चलो कि अब हम उसको सपोर्ट करते हैं अरुण पवार को बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता पर्सनली, मैं मिला हूँ उस बंदे से, कि वो जानबूझ के कोई वहाँ पे वीडियो बनाएगा। और कौन बनाता है यार इतनी दूर जाके, वहाँ कौन अपनी वो गाड़ी को ख़राब करेगा, मतलब ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ ना, कोई सेंस ही नहीं हुई कि कोई बंदा अपना जानबूझ के वहाँ पे करेगा। तो महिंद्रा जी आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है कि कम से कम कस्टमर को कस्टमर समझो और इस तरह की कंट्रोवर्सी प्लीज़ ना हो और आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो तो खुद ही कह रहा है कि मेरी एक ही गाड़ी में हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दो ना। अगर वो कौन सी नई गाड़ी मांग रहा है आपसे, उसने एक प्रॉब्लम बताई, ठीक है वो यूट्यूबर है, वो तो वीडियो हमेशा ऑन रहता है उन लोगों का, तो वो तो बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, लेकिन आपको देखना चाहिए था कि क्या करना चाहिए। और जो वो महानुभाव जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, सैल्यूट है उन भाई साहब को, कि वो जो है वहाँ पे उसको झरने पे भेज रहे हैं, ना कि वहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन टीम भेजते जो कि वो जाके उसकी सॉल्व कर देती प्रॉब्लम। तो चलिए मेरा यही व्यू था, मेरे को इसीलिए लग रहा था कि ये वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट प्लीज़ अरुण भाई आप बिल्कुल ठीक हो मेरे हिसाब से। सी यू, गुड डे टू ऑल।